हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग माय लव। देखिए आज मैं आपको कटिंग लगाना बता रही हूँ जेड प्लांट की। ये कटिंग मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कटिंग करी थी जेड प्लांट की, जो शेप में नहीं था उसको शेप में लाने के लिए मैंने कटिंग करी थी। तो ये कटिंग्स हैं, इनको मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था ताकि इनका कट एरिया थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि कट एरिया ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट लगा देते हैं तो ये गलने के चांस रहते हैं, इसलिए एक दिन के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इनको लगाऊंगी। देखिए मैंने पॉट तैयार कर लिया है इसका, इसमें नीचे तो मिट्टी रेत मिलाकर और कंपोस्ट मिलाकर भरी है, और ऊपर इसमें मैंने कोकोपीट डाला है। कोकोपीट से जड़ें जल्दी आ जाती हैं। मैं आपको इसमें पेंसिल से ऐसे होल बना लूँगी। पेंसिल से होल बनाने से ये आसानी से अंदर चली जाएंगी। इसे मैं थोड़ा इधर पीछे की साइड लगाती हूँ। कोकोपीट से इसमें जड़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं, इसलिए मैं इसमें कोकोपीट डालती हूँ ऊपर की साइड, नीचे मिट्टी, क्योंकि जड़ें जब बढ़ जाएंगी तो वो मिट्टी में अच्छे से अंदर चली जाएंगी। बीज उगाने के लिए और नई कटिंग लगाने के लिए कोकोपीट सबसे बेस्ट है। कोकोपीट में बहुत छोटी से छोटी कटिंग्स भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। और एक बात का ध्यान रखें, इसमें ये सभी स्टेम की मैंने नीचे की लीफ सारी निकाल दी हैं, बस ऊपर की थोड़ी थोड़ी छोड़ी हैं। नीचे का हिस्सा ये ज़रूरी नहीं है कि सारी निकालने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट में। इस प्लांट में बस ये है कि जो मिट्टी के अंदर जाएगा उसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, पत्तियाँ इतना तो कम से कम वो अंदर जानी चाहिए, और बाकी पत्तियाँ आप हटा दें, इसलिए 1 इंच का हिस्सा छोड़ देना चाहिए। देखिए ये मेरी मिट्टी के अंदर तक जा रही हैं, खाली कंपोस्ट इसके अंदर ही नहीं है, ये मिट्टी के अंदर तक मैंने इंसर्ट किया है इनको, ताकि ये रुक ही रहे। ये भारी हैं इसलिए इनको मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये मेरी छोटी छोटी कटिंग है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं लग पाएंगी, ये लग जाती हैं। ये देखिए ये मैंने बरसात में लगाई थी और ये मैंने कोकोपीट में लगाई थी। ये देखिए कितनी छोटी कटिंग है ये वाली, और ये इसने जड़ पकड़ ली है। ये है एक, ये है, और ये देखिए ये सिर्फ 2 पत्ती हैं इसमें और कुछ नहीं है, और इसने भी जड़ पकड़ लिया। और एक ये रही, इसमें भी सिर्फ 4 ही पत्तियाँ, 4 पत्ती तो अब हो गई है, पहले तो कमी थी। और देखिए ये भी, ये है, इसमें पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। और देखो इसमें नई लीव्स भी आ रही हैं, ये मैंने बरसात में लगाई थी, बरसात में इसमें जड़ पकड़ ली, लेकिन सर्दियों में इसका डोरमेंट पीरियड हो गया था, डोरमेंट पीरियड की वजह से ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई, लेकिन अब ये इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनका टाइम आ गया है ग्रोथ का। ये छोटी छोटी कटिंग से लगाने के लिए ये मैंने पॉट लिया है और इसमें होल्स कर लिए हैं, और इसके ऊपर ये कागज़, ताकि इसमें कोकोपीट नीचे से ना निकले। इसमें मैं मिट्टी नहीं भरूंगी, सिर्फ कोकोपीट भरूंगी। ये देखिए इसमें मैंने कोकोपीट भर लिया है, अब इसमें ये सारी कटिंग्स ऐसे ही रख दी जाएंगी। बस इसको ज़्यादा ये इसमें मूव भी करती रहेंगी, थोड़ा बहुत हिल जाएंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोकोपीट में यही फ़ायदा होता है। इसमें छोटी से छोटी कटिंग में भी जड़ें आ जाती हैं। मैंने लास्ट ईयर बरसात के टाइम में तब लगाई थी और सभी में मोस्टली जड़ें आ गई थी, कुछ ही ऐसी थी जिसमें नहीं आई थी, जो थोड़ी सी पत्तियां गल जाती हैं, कुछों में नहीं आती हैं, ऐसा भी नहीं है कि 100% में, 1-2 में नहीं भी आएंगी, लेकिन मोस्टली आ जाती हैं, और इसमें अच्छे से जड़ें बन जाती हैं। जब इसमें जड़ें बन जाएंगी और मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूँगी, तब मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी जब ये बढ़ जाएंगी। इनको आप छेड़ना नहीं है, ये आप गलती कभी मत करना कि आप इन्हें हिलाकर देख लें कि इसमें जड़ें बनी हैं या नहीं है, क्योंकि जब इसमें नई इनकी पत्तियों में जान बनी रहेगी, समझ लीजिए इन्होंने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया है। और जब इसमें एक लाइट ग्रीन कलर की लीव्स दिखने लग जाएंगी, तब इसमें पता चलेगा कि इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और जड़ें अच्छे से बना लिए। अब क्या ध्यान रखना है कि इसमें पानी हमेशा ऐसे स्प्रे से देना है इससे, और इसको इस तरह से स्प्रे करना है, और हमेशा इसको ऐसे ही स्प्रे करना है, कभी भी वैसे पानी नहीं डालना है पाइप से या मग्गे से, किसी चीज़ से ऐसे पानी नहीं डालना है, ना बड़े वाले शावर से डालना है, इसी से स्प्रे करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, थोड़े बहुत पानी से ही इसमें ठीक रहता है। कोकोपीट वैसे भी पानी बहुत दिन तक होल्ड करके रखता है, अगर उसकी ऊपर की कोकोपीट थोड़ी ड्राई भी हो जाती है तब भी आप 1-2 दिन इसमें पानी ना दें तो चल जाएगा। वैसे अब गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा स्प्रे करते रहिएगा, जब इसकी ऊपर की
कोको पीट ड्राई हो जाए तब, ये नहीं कि कभी भी आप डेली करते जा रहे हैं डेली करते जा रहे हैं। कोको पीट इतनी जल्दी सूखता नहीं है और इसको धूप में नहीं रखना है। अभी इसको भी मैं अभी 2-3 दिन छाए में रखूँगी, फिर मैं इसको धूप में सिर्फ कर दूँगी।